नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे ब्लॉग चैनल पे स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अग्निवीर अग्निपथ के बारे में। तो इसी के बारे में हमारे पड़ोसी हैं मिश्रा जी, और आप हमारे पास आए हुए हैं कि ये क्या है। तो सर, आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं, आप हमसे पूछिए। पहली बात तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पास समय निकाल के आप हमसे चर्चा करने आए। मतलब ये चीज जानना चाहते हैं जी। आप एक फौजी हैं जी, जी रिटायर्ड हैं जी, तो ये जो अग्निपथ है जी, इसमें बच्चे का भविष्य कैसे है, क्या है? तो सर, मैं आपको पहला तो कॉन्सेप्ट ये जी मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट ये बता देता हूँ कि अग्निपथ क्या है जी। अग्निपथ आप समझ रहे हैं कि कोई बहुत ही मजबूत मतलब रास्ता, बहुत ही स्ट्रांग रास्ता है, जिस पे जो चल करके अगर आगे तैयार होता है तो उसको अग्निवीर कहते हैं। जैसे कि हम कमांडो कोर्स क्वालिफाइड हैं, तो जो हम लोग जब कोर्स क्वालिफाइड करते थे तो हमको अग्निवीर के नाम से सुशोभित किया जाता था। मतलब बहुत ही स्ट्रांग ट्रेनिंग होगी, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी कि जब आप वहां से रिटायर होकर के आएंगे तो हम आप अग्निवीर को कह सकते हैं कि ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, कि जब कभी समय आने पे एक 4-6 साल 10 साल में अगर 2-4, 10 लाख 20 लाख जब हमारे अग्निवीर तैयार हो जाएंगे, तैयार होने के बाद वो बेशक कहीं नौकरी कर रहे हो, कोई अच्छा पैसा पाने के बाद बिजनेस भी कर सकता है, कोई नौकरी भी कर सकता है, कोई उसी पैसों को यूटिलाइज करके आज अच्छा एग्रीकल्चर का प्लेटफॉर्म है, एग्रीकल्चर में काम कर सकता है, तो वो उसके ऊपर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो बच्चा मतलब एक तरीके से संकल्पित है कि हम देश के लिए जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सीना तान के खड़े हैं। अगर हमारे देश में 25% भी ऐसे जवान हो जाते हैं तो 150 करोड़ के लगभग हमारी जनसंख्या होने जा रही है। अगर इसका चौथाई हिस्सा मान ले तो 130 करोड़ तैयार है, 120 करोड़ तैयार है। 120 करोड़ अगर हमारे जिस देश में सैनिक होंगे, विश्व का कौन सा देश है जो इंडिया से या भारत से टक्कर ले सके? कोई होगा सर? पहली चीज। दूसरी चीज, जो हमारे बच्चे इतना तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो जब हमारा कोई देशभक्त अगर होता है वही फौज में भर्ती होता है, और जो स्वार्थ से परे फौज में भर्ती होता, मैं उसको देशभक्त फौजी नहीं वो मानता हूं। तो ये स्वार्थ बस कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो कर भी रहे हैं ये चिन्हित हो रहे हैं, इनका भविष्य अगर मीडिया के थ्रू फोटो आती है तो आप अगर इनके ऊपर FIR होगी तो ये कभी कहीं नौकरी पा सकते हैं? नहीं, ये फौज में ही भर्ती निकलती है अगर, तो जिस थाने से इनका वेरिफिकेशन जाएगा ये वहां से भी वापस आ जाएंगे। अगर आज ये इसके बाद अग्निवीर के लिए भी ट्राई करते हैं तो भी, अगर गवर्नमेंट संशोधित कर दे कि चलो बच्चे हैं माफ कर दे, वो अलग चीज है, हो सकता गवर्नमेंट कर भी सकती है क्योंकि बच्चे हैं, गलती कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये गलती ना करें आप, क्योंकि आने वाले समय में आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हो। किसी जातिगत किसी पार्टीगत आप भावना ना रखें, आप देश के प्रति आप सोच करके चलेंगे तो आप ये गलती कभी करेंगे नहीं। ये बिल्कुल सिंपल फंडा है। तो आप और मिश्रा जी, आप और क्या पूछना चाहते हैं? भैया मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, ये जो बच्चों का जी अग्निवीर या अग्निपथ का जो चयन है, चयन है जी, इस पे जो आ रहा है कि बच्चे जो बिहार में भी दिखाई पड़ा, हाँ काफी तोड़फोड़ किया, काफी तोड़फोड़ किए जी, एक बच्चा विकलांग जो था, वीडियो देखा गया था, हाँ बस का शीशा तोड़ रहा है तोड़ते हुए। अब वो कौन सी फौज में भर्ती होगा बताइए? फौज में भर्ती होगा, बिल्कुल बिल्कुल मिलिट्री में भर्ती होगा वो जी। हाँ, ये क्या चल रहा है? अब इसको तो मैं ये बताऊं मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात है सैलेन जी कि ये एक तरीके से, जैसे मुझे लगता है कि कुछ लोग किसी को बदनाम करने के चक्कर में हैं, एक तरीके से ये भावना मुझे नजर आती है, क्योंकि इसमें जो लोग बिना सोचे समझे अगर कूद रहे हैं तो कूदते वही लोग हैं जो पीछे से किसी का माइंड वॉश किया जाए या माइंड सेट किया जाए। जैसे जब हम फौज में भर्ती होते हैं तो एक तरीके से माइंड सेट किया जाता है हमारा कि खून में अगर एक कतरा भी होगा तब तक हम देश के लिए लड़ेंगे। ये माइंड सेट सही है ना, ये माइंड सेट है। लेकिन उनका जो ये भरा जा रहा है तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप हम लड़ रहे हैं, देश के लिए नहीं लड़ रहे हो, आप अपने स्वार्थ के लिए। और जिस दिन स्वार्थ आ जाएगा देश की,
कोई भावना नहीं रह जाती, कोई स्वामी भक्त नहीं रह जाता है, कोई भी देश भक्त नहीं रह जाता है। मैं उस इंसान को देशभक्त नहीं मानता हूं जो इसे आगजनी और राह में लगा हुआ है और उनका भविष्य बर्बाद है, तय है। अगर गवर्नमेंट ने चाहा तो उनका भविष्य बिल्कुल मान के चलिए, जितने बच्चे चिन्हित हैं जिनका फोटो आ चुका है, ये बच्चे ये भी नहीं सोच रहे हैं कि बड़ा अपने आप को टाइगर बन के दिखा रहे हैं, फोटो आ रही है सामने दिख रहा है, तो ये नहीं सोच रहे कि मेरा भविष्य क्या होगा, जबकि काफी कुछ ऐसा हो अच्छा चुका है। आग्नेयवीर की जो 24 तारीख कितने तारीख से ऑनलाइन हो जी भर्ती होनी है, भर्ती होने चल रही है, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं बच्चों को, कितने उत्साह कितने उमंग के साथ बच्चों को इतना मतलब स्पिरिट दिखाना चाहिए अपने अंदर, इतना जो है वो दिखाना, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि मैं भर्ती हूँ माँ भारती की सेवा के लिए, हम अपने माँ बाप की सेवा के लिए। क्योंकि अगर हम 17 से लेकर के कई साल के उम्र में बच्चा क्या कमाता है, कुछ नहीं कमाता, खाता है पीता है और पढ़ाई करता है सोता है बस, उसके बाद क्या है ग्रेजुएशन करके तक बच्चे नहीं कमाते 25 साल तक, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके 10,000 की नौकरी के लिए घूम रहा है। तो अगर जब आप वहां से आते हो, पहला कॉन्सेप्ट एक ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ी चीज ये, अगर वहां पे 30,000 मेरी सैलरी थी तो जो भी हमको अपॉइंटमेंट मिलेगा, समझिए बात को, चाहे जिस कंपनी में, उससे 10% ज्यादा सैलरी दे करके ही उसका अपॉइंटमेंट होना तय है। ये कंपनियों ने एक्सेप्ट कर लिया है। सारी कंपनियों, टाटा है, रिलायंस है, अडानी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो बड़ी बड़ी हमारी कंपनियां हैं, नहीं नहीं अपने यहाँ के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी, उन्होंने भी कहा, अभी हाँ, कहा है उन्होंने जी, जी, जो भी अग्निवीर से बच्चे आएंगे हाँ, उनको योग्यता के हिसाब से जी जी उनको सर्विस दी जाए, सर्विस दी जाए। अभी परसों तो अब आप ये बताइए कि जब विदेशों में इसराइल है, अमेरिका है, चाइना है, या ये क्या बेवकूफ है? नहीं नहीं, वहाँ तो हम कहते हैं कि इसराइल हर 95 करोड़ की या 95 लाख की आबादी है, वहाँ हर घर में सैनिक है हाँ, तो बड़े गर्व से कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं। आज सरकार जब हमको इसराइल की तरह रखना चाह रही है, बनाना चाह रही है, आप भी कहिए ना कि इंडिया में हम भी हर घर में सैनिक है। बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहिए, गर्व में बात होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम लोगों भी उत्साह उमंग के साथ अपने बच्चों को समझाना चाहिए और इस अग्निपथ अग्निवीर की आर्मी वैकेंसी में डालना चाहिए। पहली बात ये मैं कहना चाहूँ, दूसरी चीज मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब भी कहीं वो फौज को देखते हैं, फौज के पास जाते हैं, पहला सल्यूट उनका होता है फौजी को जी। देश का प्राइम मिनिस्टर एक सिपाही को सल्यूट करता है, लेकिन मेरे देश की जनता अगर स्टेशन पे फौजी खड़ा है, ये फौजी जा रहा है जी, इस तरीके से बात की जाती है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझे इज्जत दें, लेकिन जो भी सोल्जर सर्विस में है वो आप उसके ऋणी हैं, उसके एक एक बूंद के कतरे के ऋणी हैं। देशवासियों उनका ही उनकी इज्जत कीजिए, और मेरे बच्चों से मैं प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अग्निवीर के लिए जुनून से, एकदम जुनून होना चाहिए आपके अंदर, उस जुनून के साथ देशभक्ति होनी चाहिए, और इस देशभक्ति के साथ 24 तारीख की भर्ती आप देखिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग भर्ती हो जाइए, और देखिए देखते हैं कि कितने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना अभी जिंदा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आएगी, कितने लोगों के अंदर अभी देशभक्ति की भावना जिंदा है। दोस्तों जितना मुझे मालूम था मैंने आपको बताया, अगर आपको इसके बारे में कोई कमेंट है कृपया करिए, और अगर और वीडियो चाहते हैं इस पे, और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं वीडियो बना के दूंगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, जो नए व्यूअर्स हैं प्रिय क्लिप कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।